एम न्यूज़ का, पूरे परिवार का, पिप्पल साहब की पूरी टीम का मैं खूब साधुवाद करता हूँ कि आप जो हम जैसे लोगों को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो हीरे हैं उनकी परख है आप लोगों को, जो हीरे हैं जो सदियों से पड़े हुए हैं, और हमारा मीडिया नहीं है, मनुवादी मीडिया के दोगलेपन के कारण जो हमारी जैसी पर्सनालिटी दबी हुई है समाज में, जो अच्छे कवि हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे गायक हैं, मैं नहीं समझता कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, जितने भी हैं उन लोगों का उभार कर जनमानस तक पहुँचाने का, भारत के जन जन तक नहीं दुनिया के कोने कोने तक दलित समाज के, बहुजन समाज के कवि साहित्यकारों को आप जैसे SM न्यूज़ जैसे बड़े बड़े जो सोशल मीडिया के चैनल हैं वो आप वेब चैनल के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, उसका सबसे पहले मैं साधुवाद करता हूँ। राजू जी, आज धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है रामलीला मैदान के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, तो आप इस मौके पर क्या कविता सुनाना चाहते हैं? क्योंकि राज भारती जी, आपको एक खुशी होगी कि ये इंडिया ही नहीं, इस समय 20 देश और आपको देख रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत ये दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम है, मैं गुजरात में था तो मुझे पता चला कि दीक्षा समारोह का प्रोग्राम है, तो मेरी बात यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है मैं उनसे बात हुई, तो मेरे दोस्त मुझे बताया, तो मैं तुरंत आया। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने एक गीत का भी आपके बीच में रखा, भीमा कोरे गांव का, और मुझे अच्छे से याद है जब लोग गुप्ता गार्डन पार्क में जब आप कवरेज कर रहे थे, उस समय मैंने बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए उस पर जोर देने का आपको मैंने समर्थन किया था। तो मैंने जो गीत लिख रहा हूँ आजकल मैं, जैसे बहन झलकारी बाई के ऊपर गीत है, अभी मैं भूलन देवी के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मैं अभी मेरा योग्यता भी BA LLB है, दिल्ली में रहते, लेकिन मैं गुजरात में ये सब चीजों को छोड़ के मैं गुजरात में मूवमेंट का काम कर रहा हूँ। पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के मंच पर मैं गाता आया हूँ, बस अफसोस आज मैं SM न्यूज के माध्यम से करना चाहता हूँ, थोड़ा अफसोस है। आज तक मैंने मीडिया में कभी मैंने BSP का या BSP के नेताओं की आज तक मैंने बुराई नहीं की, लेकिन एक पीड़ा है, एक मैसेज है, ये बुराई नहीं है, मैसेज है कि हम जैसे लोगों की जो कदर नहीं करता ना, तो जो कदर है जो मूवमेंट में गायकों की और सिंगरों की जो कदर होना चाहिए पार्टी में, वो कदर नहीं हो रही ना, उसका रीजन, उसका भुगतना मूवमेंट को पड़ेगा, क्योंकि विचार कितना भी अच्छा हो उसका मीडिया नहीं बना, हम लोग मीडिया है BSP का, लेकिन हम जैसे लोगों पर नजर नहीं है बहन जी का, तो थोड़ा कष्ट होता है। जो नेता है वो अपना यूज करके नेता और छोड़ देते हैं कलाकारों को, तो 15 साल से ये पीड़ा मेरे अंदर है। हालांकि मुझे बढ़ाने वाले काफी लोग हैं मध्य प्रदेश के, पार्टी के जो उस समय प्रभारी रहे, जिला के जोन के लोग रहे, उनने बढ़ाया है, उनका मैं साधुवाद करता हूँ, लेकिन अभी जिस मुकाम पर मैं खड़ा हुआ हूँ, भीमा कोरे गांव पे मैंने गाना मेरा काफी लोकप्रिय हुआ है, तो मैं भीमा कोरे गांव का ही गीत है आज SM न्यूज के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। आप पूरे देश के लोग जो हिंदी समझते हैं, जो दूसरे देश के लोग आप देख रहे हैं, तो ये भीमा कोरे गांव का इतिहास एक बहुत बड़ा इतिहास है। इस दिन 1 जनवरी 1818 में उस भीमा कोरे गांव में, यानी कि भारत का महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र के पुणे में एक बहुत बड़ा 1 जनवरी 1818 को युद्ध हुआ था पेशवाओं से, जो महार सैनिक थे, महार बटालियन थी, उन 500 महार बटालियन के लोगों ने पेशवाओं से लड़ाई लड़ी थी। कारण क्या था? कारण था इस देश में अमानवीय प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने का, कारण था इस देश का शूद्र समाज, इस देश का महार अछूत समाज का बेटा जो गले में हंडी और कमर में झाड़ू बांधने की प्रथा थी, उसके विरोध में ये लड़ाई थी। तो उस जगह जो 28,000 लोगों को जब 500 लोगों ने मारा था, जब हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमें पता चलता है कि मोदी की 56 इंच की छाती नहीं है, अरे 56 इंच की छाती तो इस देश के शूद्र की है, उस महार की है, उस चमार की है, जिसमें एक ने 500 लोगों ने एक में 56 को मारा था। तो वो इतिहास मैंने जोड़ने की कोशिश की है, ऐसा न्यूज के माध्यम से मैं ये गीत शेयर करता हूँ आपके सामने, कि मनुवादी हत्यारों से 500 लड़े हजारों से, पेशवाई को कर दिया तबाह, सीखो वीर महारों से, तलवारों की धारों से, पेशवाई को कर दिया तबाह, मनुवादी हत्यारों से, 500 लड़े हजारों से, पेशवाई को कर दिया तबाह, सीखो वीर महारों से, तुम
तलवारों की धारों से पेशवाई को कर दिया तबाह। भीमा नदी किनारे स्वाभिमान की लड़ी लड़ाई थी, गले में हंडी कमर में झाड़ू की प्रथा उसी दिन मिटाई थी। सिद्धनाक की ललकारों से कांपे वीर महारों से भारत का इतिहास है गवाह। को वीर महारों से तलवारों की धारों से पेशवाई को कर दिया तबाह। तो भीमा कोरेगांव में विजय इस तम शूद्रों की शान है, एकता से बहुजन के मनुवादी सब हैरान है। 56 को एक ने मारा था, मनुवाद वहां हारा था, पाखंड की निकाली थी हवा। सी को वीर महारों से तलवारों की धारों से पेशवाई को कर दिया तबाह। मनुवादी हत्यारों से 500 लड़े हजारों से पेशवाई को कर दिया तबाह। तुम सी को वीर महारों से तलवारों की धारों से पेशवाई को कर दिया तबाह। और जितने लोग मैं आपको न्यूज भेजूंगा व्हाट्सएप पे, जितने लोगों ने ऐसे न्यूज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं अपनी टीम से मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से काफी लोग हैं फॉलोवर्स जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ ही, खूब खूब धन्यवाद ऐसे न्यूज का। धन्यवाद सर।